मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक ऐसी डिफिनेशन जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, एंड अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पढ़ रहे हैं तो इस टर्म का यूज़ काफ़ी जगह होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इस डिफिनेशन को भूल जाते हैं, उनको यही नहीं मालूम कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो इस वीडियो में हम लोग उन चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपको ट्रिक के थ्रू इस डिफिनेशन को याद कराएंगे, जिसके बाद आपको कोई वीडियो या नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जो टेक्निकल डिफिनेशन इसकी दी हुई है उससे पहले हम इसको नॉर्मली बताता हूँ, सिंपली वर्ड में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है। ओके, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ओके, देखिए किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोसेस होता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की जो विधि होती है उसी को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी तरह का कोई जूस पी रहे हैं, सपोज़ कीजिए आप कोई ऑरेंज जूस पी रहे हैं, ओके, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ऑरेंज को छीला जाएगा, ऑरेंज का जूस निकाला जाएगा, मशीन के थ्रू निकाला जाएगा, उसको पैक किया जाएगा, फिर उसको आपके सब थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आ रहा कैसे कैसे बनना है। ओके, तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, बस आई होप आप लोग समझ जाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है। बट होता है कि हम लोग ने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की डिफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने क्या कहा था कि जो अनलोडिंग और लोडिंग का होता है कुछ का, काफ़ी सारे एग्जांपल देते हैं, कंप्यूटर वर्क होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं आता है। तो भाई क्या क्या आता है आज की इस वीडियो में आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है सेक्शन 2K में डिफाइन की गई है। ओके, अब इसके बाद में जो पॉइंट दिए हुए हैं यहीं पर स्टूडेंट जो है गलतियां करता है और भूल जाता है, क्योंकि इसमें टोटल 6 पॉइंट दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। सभी पॉइंट को मैं इतने इजी वे में आपको बताने वाला हूँ कि आप कभी भूल नहीं सकते। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो दिया है मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, अर्नामेंटिंग, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। इसमें आपको क्या याद रखना होगा, दो चीज़ें, मारो फोड़ो। ओके, अब मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, ना किसी को मारने को कह रहा हूँ ना ही किसी चीज़ को फोड़ने को कह रहा हूँ, बट आप इसको कैसे याद रखेंगे। पहला जो हमारा ट्रिक है उसमें याद रखिए, जो पहला पॉइंट होगा आपका उसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी होगी, एक होगा मारो फोड़ो। ओके, एम से क्या होता है मेकिंग, ए से क्या होता है अल्टरिंग, आर से क्या होता है रिपेयरिंग, ओ से क्या होता है ऑर्नामेंटिंग। मेकिंग किसी चीज़ को बनाना, अल्टरिंग रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी मिट्टी के घड़े पे या किसी चीज़ पे आप लोग को डिज़ाइन वगैरह नहीं करते तो उसी को ऑर्नामेंटिंग कहते हैं। ओके, इसके बाद फोड़ो फिनिशिंग, ऑयलिंग, डिमोलाइजिंग, अदरवाइज वॉशिंग। ओके, तो मारो फोड़ो। ओके, ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा तो क्या आएगा, मारो फोड़ो पहला पॉइंट आपका होगा। और इसको क्लियर करते हैं पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, अर्नामेंटिंग, हो गया ना मारो, MARO हो गया ना आपका, मारो हो गया। इसके बाद हमारा दिया गया है फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग, डिमोलाइजिंग और अदरवाइज। अब इसको फोड़ो निकालते हैं, देखिए F, ओके, ये देखिए F, उसके बाद O से ऑयलिंग, कहाँ है हमारा ऑयलिंग, ये देखिए ऑयलिंग हो जाएगा हमारा। उसके बाद डी से डिमोलाइजिंग, ये रहा हमारा, फिर ओ से अदरवाइज, ये रहा हमारा, डब्ल्यू से वॉशिंग, ये रहा। ओके, बाकी इसमें कुछ चीज़ें बची जैसे क्लीनिंग हो गया, ब्रेकिंग अप हो गया, ट्रेटिंग और अडॉप्टिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस विद अ व्यू और टू इट यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी और डिस्पोजल। तो यानी ये पहला पॉइंट हमारा क्या बता रहा है, किसी जिसको मेकिंग करना, अल्टरिंग करना, रिपेयरिंग करना, ऑर्नामेंटिंग करना, फिनिशिंग करना, पैकिंग करना, ऑयलिंग करना, वॉशिंग करना, क्लीनिंग करना, ब्रेकिंग आप करना, डिमोलाइजिंग करना और अदरवाइज, ट्रेटिंग और अडॉप्टिंग एनी आर्टिकल, जो कि कोई भी आर्टिकल या भी सब्सटेंस है जिसको हम यूज करते हैं, कि फिर इसको सेल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिलीवरी करते हैं, डिस्पोज करते हैं। तो ये जो इतना प्रोसेस है इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहेंगे। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है, ओके, इसमें क्या करें भाई, पंपिंग। इसमें पूरी लाइन याद रखो या ना रखो, स्टार्टिंग एक लाइन याद रखना, पंपिंग। अब पंपिंग किस चीज़ की करोगे यार बताओ तुम, अब तुम जाओगे पंपिंग यार वो मत कह देना कि यार मैं पंपिंग करता था जो साइकिल में हवा भरता था, वो नहीं बता रहा हूँ मैं। पंपिंग मीन्स आप किस चीज़ की पंपिंग करेंगे, फैक्ट्री में ऑयल की करेंगे, वाटर की करेंगे, सेवेज की क्या करेंगे या किसी अदर सब्सटेंस की करेंगे। ओके, तो याद रखना पंपिंग किस चीज़ की याद रखना, ऑयल, वाटर, सेवेज और एनी अदर सब्सटेंस। ओके, पंपिंग। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा जनरेटिंग, किस चीज़ को जनरेट करोगे यार आप लोग, जनरेट क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर। इसमें याद रखना जनरेटिंग करना है, किस चीज़ की, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर। ओके, पावर, जनरेटिंग पावर। ओके, इसके बाद है फोर्थ पॉइंट हमारा कंपोजिंग टाइप फॉर प्रिंटिंग, ये जो कंपोजिंग करना, किस चीज़ को कंपोज करना, प्रिंटिंग, ये जो टाइप्स दिए हैं प्रिंटिंग के, प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी और अदर सिंपलर प्रोसेस और बुक बाइंडिंग, जो ये जो सारी चीज़ें दी गई हैं आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, फोटो एंड अदर सिमिलर प्रोसेस और बुक बाइंडिंग, ये जो है आपकी प्रिंटिंग के टाइप दिए गए हैं। ओके, तो इसमें बताया जा रहा है जो कंपोजिंग है, कंपोजिंग करना आपको, किस चीज़ की प्रिंटिंग। ओके, इसका याद रखिएगा। ओके, कंपोजिंग। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, ओके,
कंस्ट्रक्टिंग की बात कर रहा है, ओके। इसमें कंस्ट्रक्टिंग रिकंस्ट्रक्टिंग आपको याद रखना होगा, किस चीज़ की, देखो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिंग का काम होगा वहाँ रिकंस्ट्रक्टिंग का भी काम होगा, रिपेयरिंग का भी काम होगा, रिफिटिंग का भी काम होगा, फिनिशिंग का भी काम होगा, ओके, और ब्रेकिंग अप का भी काम होगा। लेकिन ये किस किया जाएगा, शिप और वेजल का, ओके। अगर किसी शिप या वेजल का कंस्ट्रक्टिंग का काम हो रहा है, रिकंस्ट्रक्टिंग का काम हो रहा है, रिपेयरिंग का काम हो रहा है उसका, या रिफिटिंग का काम हो रहा है, या उसकी फिनिशिंग का काम हो रहा है, या उसकी ब्रेकिंग अप का काम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाएंगी, ओके। इसके बाद जो है प्रिजर्विंग और स्टोर एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज। अब इसमें क्या बता रहा है, किसी कोल्ड स्टोरेज में आप क्या कर सकते हैं, किसी आर्टिकल को जो स्टोर करके रख सकते हैं या प्रिजर्व करके रख सकते हैं, किसी भी आर्टिकल को। मान लीजिए होता क्या, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कुछ मटेरियल ऐसा होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होता है जिनको आप कोल्ड स्टोरेज में ही रखते हैं, ओके। उसके लिए आप टेम्परेचर उसको कोल्ड बनाते हैं। अभी आप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पूरा आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ओके। तो ये हमारे 6 पॉइंट थे, ओके। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा होगा मारो फोड़ो, उसके बाद में होगा पंपिंग, थर्ड होगा जनरेटिंग, फोर्थ होगा कंपोजिंग, और फिफ्थ होगा कंस्ट्रक्टिंग, और सिक्स होगा हमारा प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी कोल्ड। इसमें आप सिक्स वाले में आप कोल्ड स्टोरेज याद रख लीजिएगा, कोल्ड स्टोरेज के आर्टिकल को क्या करना होगा, प्रिजर्व करना होगा या स्टोर करना होगा, और कंस्ट्रक्ट रिकंस्ट्रक्ट रिपेयरिंग रिफिटिंग फिनिशिंग और ब्रेकिंग में सिप्स और विजल को आप लोग याद रख लेना, ओके। दोस्तों आई होप दोस्तों आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। दोस्तों अपने ओपिनियन और फीडबैक हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें दोस्तों, एंड अभी के अभी हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और इस नोट्स का पीडीएफ आपको चाहिए, इस पूरी डेफिनेशन का पीडीएफ आपको चाहिए, तो अभी के अभी टेलीग्राम चैनल हमारा फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग क्या कर सकते हैं, @LegalGlossary सर्च करके भी हमें फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।